हेलो एवरीवन, ये जो मैं वीडियो आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, अभी यहाँ पर मैं अपनी मम्मी का बीपी चेक कर रही हूँ, तो वही मेरी माँ बता रही है 103 और 184 है, क्योंकि रोज़ सुबह जो है नाश्ता के बाद का जो भी बीपी का कितना लिखा हुआ रीडिंग रहेगा 184 वही दिखाना है, बताना है डॉक्टर को, तो इसको मैं एक कापी में नोट करके रख लेती हूँ ताकि मुझे 184 डेली बीपी चेक किया कितना बीपी है कितना नहीं, क्योंकि इनका दो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो अभी डेली मैं इनका बीपी चेक करती हूँ। ले लीजिए एक दो किलो भैया, 2 किलो भी मटर दे, कम करके दे दीजिए, 40 महंगा दे रहे हैं। और यहाँ पर अदरक है, ले लिया है सब्जी और देते हैं 180 रुपये। गाइस, यहाँ पर आज हमने बनाया है चने की दाल की पूड़ी। खैर मैंने तो नहीं बनाया है, मेरी बड़ी वाली भाभी ने बनाया है। जो चने की दाल को करीब सुबह 4 घंटे के लिए भिगा दिया, भिगा देने के बाद यहाँ पर तेल, जीरा और हींग से तड़का मार दिया गया है, भप गया। भप जाने के बाद इसको ग्राइंडिंग में डाल के लहसुन, जीरा थोड़ा कच्चा डाल के, धनिया डाल के और सौंफ डाल के इसको पीस लिया गया है। पीस लेने के बाद इसको पूरा तैयार हो गया है पूरा। अभी इसको आटा सान देंगे, तो इसको आटे के अंदर भर के फिर इसका हम दाल वाली पूड़ी बोलते हैं इसको बनाने के लिए, तो भर देंगे, बहुत ही टेस्टी बनती है। और दाल वाली पूड़ी का ये पूर बन के तैयार हो गया है। तो अभी देख ली कितना बारीक पीसा, जिस तरह अपना सत्तू होता है उतना ही बारीक, एकदम आटे के जैसे महीन नहीं करना है, कि अपन हम लोग आटा जैसे रहता है उस तरह पीसना है, उस तरह गैस नहीं पीसना है, दरबरा रहेगा थोड़ा हल्का सा, जिस तरह अपनी सूजी नहीं रहती रवा, उसी तरह थोड़ा बारीक करके इसको पीसना है। तो यहाँ पर आलू बैंगन की सब्जी भी बन गई है और यहाँ पर बन रही है कटहल की सब्जी, क्योंकि दाल वाली जो पूड़ी है बनती है तो इसके साथ कटहल की सब्जी, मतलब या तो आलू गोभी या तो कटहल की सब्जी ही अच्छी लगती है खाने के लिए, क्योंकि इसके साथ रसे वाली सब्जी ज़्यादा जूस वाली पसंद करती हैं, और इसके साथ मीठा भी बहुत पसंद आता है, क्योंकि दाल वाली पूड़ी बने और जो आटे का हलवा मैं बनाती हूँ, मैं काफ़ी वीडियो आप लोगों को शेयर कर दी हूँ। तो यहाँ पर फिर लपसी भी चाहिए, तो खैर मीठा तो नहीं बनेगा क्योंकि आज हम जाने वाले हैं गाँव, तो फटाफट ये आज मैं अपने भाई के घर की वीडियो फिर शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि थोड़ी सी क्लिप हमारे मोबाइल में पड़ी रह गई, हमने कहा क्यों ना मैं आज आप लोगों से इसको शेयर कर दूँ। तो अभी कटहल की सब्जी है, ज़्यादा मसाला नहीं खाना है, पापा मम्मी की तबीयत ख़राब है ये तो सबको पता ही है, हमारी YT में जितने लोग जुड़े हुए हैं तो कम मसाला डाल के हल्का सा कटहल की सब्जी यहाँ पर तैयार हो गई है। तो यहाँ बना रहे हैं सब्जी कटहल की, नहीं थोड़ा फ्राई करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, हम तो नहीं बना रहे, नहीं लोगों को लगेगा हम बना रहे हैं, बता देते हैं ठीक है, बनाता कोई और है ना, दूसरे कोई और ले लेता है, नहीं ठीक है हम बना रहे हैं कटहल की, हम काट देंगे। यहाँ पर बन गई कटहल की सब्जी, और ये कटहल यहाँ पर रखा हुआ है, ठंडी के मौसम में कटहल की बात ही अलग होती है, जाड़े में सब्जी अच्छी बनती है, कटहल की बहुत बढ़िया सब्जी बनती है और अच्छी भी लगती है। और दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ठीक है। वीडियो तो ऐसे हमारी बहुत अच्छी है, और हमारे पास फ़ोन आ गए, कितने ढेर सारे फ़ोन आए, काफ़ी लोगों ने देखा है ठीक है। यहाँ पर बन गए हैं कचालू, कचालू
यानी मतलब जो नया वाला आलू आता है उसमें मटर जीरा का तड़का डाल के मिर्च डाल के थोड़ी दो चार कली लहसुन की कलियाँ डाल कर बहुत अच्छा कचालू बनता है। तो सुबह का नाश्ता चाय और कचालू हो गया है। देखो आते नहीं भी ठीक से चश्मे, अबे नहाया जड़ा ना यही से यार। हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई हो आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। अभी मैं नहा के आई हूँ, सुबह भी करीब 8:30 हो चुके हैं, 8 बजे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे कि 4 ही बज रहे हैं। पूरा एकदम कोहरा कोहरा एकदम छाया हुआ है, धूप नहीं निकल रही है और मैं अभी आ गई गाँव वाले घर में। तो चलिए, आप लोग भी सुबह करीब 8:30 हो गए हैं, पूजा पाठ हो गए, पूजा मैंने कर लिया है तो कंघी वगैरह भी नहीं की आज। अरे ठंडी के मारे किसी को होश है कि मतलब चले कर ले कंघी वगैरह कर ले, अभी तक ठंडी नहीं ले, पर आज बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, देख रहे होंगे आपको लोग दिख के लग रहा अंदाजा। ओह ओह, चलिए आप लोग कचालू खिलाती हूँ, आइए बैक कमरे से। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई हुआ खुश होंगे, सस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम बहुत ही व्यस्त होंगे। अभी आप लोगों को 2-3 वीडियो से पता ही चल गया होगा, हम मुंबई में ना रह के हम प्रयागराज आ गए हैं। ठीक है, अभी प्रयागराज की ही वीडियो आप लोगों को मिलेगी। अभी गंगा जी नहाने जाऊंगी, वहाँ की वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी और बड़े वाले हनुमान जी दर्शन करने जाऊंगी, वहाँ की वीडियो आप लोगों को शेयर करूंगी। अभी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही, इतनी ज़्यादा पड़ रही कि अभी दोपहर के करीब 2:30 बज गए हैं, पता ही नहीं चला है समय कैसे निकल गया, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, और सुबह आज नहाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पानी गर्म कर दिया था ही जन मम्मी ने, फिर भी लग रहा था ना नहाए ना नहाए, फिर भी हम मम्मी डांटने लगी, नहीं चलो नहा लो, धोई लोटा नहाए ला ना नहाबू कैसे, फिर खाना कैसे खाबू, फिर गए नहाए धोए हैं, फिर चाय वाय पी लिया। आज सुबह फिर मैंने बिना नहाए चाय पी लिया था, अब कितने बजे पी लिया था, सुबह 6 बजे चाय पी लिया है। अभी करीब बज गए हैं 2:30, अभी खाना तो खाया नहीं है, भूख लगी है, तो हमने कहा थोड़ी मम्मी सब ने बोले बिस्किट वगैरह कहीं रखी हो तो दे दो जरा बिस्किट खा लेते हैं, क्योंकि मीठा मेरा बिना खाए गुजारा तो है नहीं है, सुबह से कुछ मीठा नहीं खाया, जैसे क्रेविंग हो रही थी मीठे के लिए कुछ, तो अभी खाना खाया नहीं है, सुबह दम आलू खाया था, 2 बार चाय पी लिया, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पर रहती तो खाती रहती, कुछ नहीं मैं चाय बिस्किट तो खाती रहती हूँ, तो मुझे मीठा नहीं मिलेगा, मुझे क्रेविंग हो रही थी, फिर मैं बिस्किट लेके बैठ गई हूँ, ये पैकेट है, एक पैकेट बिस्किट लिया था और पूरा बिस्किट खा गए। और अभी मिठाई नहीं है घर पे, आज भाई मम्मी से बोल रहे थे मम्मी मिठाई नहीं है क्या, रसगुल्ले का डिब्बा रखा है फ्रिज में पर अभी नहीं खोलेंगे, तो हमने रसगुल्ला ज़्यादा पसंद भी नहीं है, पसंद है छेने का पसंद है, सादा वाला नहीं पसंद है, तो अभी जाएंगे नारियल की बर्फी, ड्रम में डाले होगा, अच्छा ठीक है, जब खाए कोई तो निकाल ले भाई, कौन वाले में, नीचे वाले में ऊपर वाले में रखी हुआ हो गया, बिस्कुट हो गई थी रखा रहा था निकाल लेना, हाँ ये और रखे हो बिस्कुट, अच्छा अभी ऐसा है कि अभी हम बैठे अपने माँ की कोठरिया में, मतलब माँ का मेरे कोठरी है कमरा है, वहाँ पर बैठे, पिछली वीडियो ये 2 साल पुरानी वीडियो में आप लोग चले जाएंगे तो हमने अपनी माँ की कोठरिया शेयर किया है। ठीक है, डाल दे, तो अभी जो है बिस्किट खाए, तो वही मम्मी हमारी बोल रही कि बिस्किट ड्रम में रखा है, नमकीन ड्रम में रखा है, निकाल लेना और खा लेना। ठीक है, तो बाहर डब्बे में यहाँ कहाँ रखेंगे, चूहा लगते हैं, इसीलिए सब अंदर गाँव में तो सब चीज़ें वही ड्रम के अंदर डाल देते हैं, वो भी स्टील के ड्रम नहीं रहते, जिस चद्दर के मतलब एल्युमिनियम का ड्रम वगैरह यहाँ पर है, सारे बड़े बड़े जैसे बखारी वगैरह होते तो छोटे छोटे भी ड्रम है यहाँ पर। ये पीछे राधा कृष्णा की मूर्ति रखी, आधा दिख रहा आधा नहीं दिख रहा, आप लोग भी बोलेंगे, तो वही निकालने की बातें हो रही, जब भूख लगेगी तो उधर से निकाल के खा लेंगे। ठीक, तो चलिए अब आप लोगों ढेर सारी बातें हो गई, नई जगह नया प्लेस आप लोगों को शेयर करेंगे, तो चलिए अब खाना खाते, देखते दोपहर के खाने में आज क्या बनाया है, तो दोपहर का खाना आप लोगों को शेयर करते, आप लोग दोपहर का खाना देख लीजिए, कपड़े धुल गए, कपड़े हमने नहीं धुले, मशीन से मम्मी ने धुल दिए, हम जाके ऊपर डाल दिए, चलिए आप लोगों को दिखा दूंगी, ऊपर कपड़े मैंने डाले, मैं खुद गई हूँ, डाली हुई भी जाके खुद लेकर आ जाऊँगी, पोछा भी लग रहा है, पोछा भी हमारी लंगड़ आजी आती हैं, मतलब एक आजी हैं आती हैं,
पोछा लगा दे रही हैं घर में, मतलब झाड़ू पोछा के कर देती हैं। मम्मी की हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, तो हम भी आज बोलने लगे उनसे कि आज ही ऐसा बना, जब तक जीव तब तक हमरे मम्मी के ना छोड़ू, हमरे मम्मी के पकड़े रहू, आए कि अपन झाड़ू पोछा बर्तन कई देवा करा। तो वही आज हंसत रही नहीं, कहा अच्छा नहीं बिटिया ऐसा नहीं वह कहा तो, अरे जब तक जीव तब तक तोरे मम्मी के हम काम करब। तो वही आज अपन आवा थी झाड़ू पोछा बर्तन जौन होता कुला के मम्मी का हमरे कह के जावा कर रही थी। ये आज हमारे घर में कम से कम 30 साल हो गए हमारे घर में आते हुए इनको, ये भी बेचारी बहुत बुढ़ी हो गई हैं, 30 साल हो गए फिर भी अपने घर के जैसे। अगर इनको कोई अगर इनका क्यों कुछ बोल देता है, जैसे कभी कोई बच्चा है मान लो बहू है कुछ इनको बोल देती हैं, तो मेरी माँ को इतना ख़राब लगता है, इतना ख़राब लगता है कि पूछो मत, क्योंकि उनसे जैसे मेरी माँ का उनसे दिल का जुड़ाव हो गया है, जैसे घर की सदस्य हैं। मम्मी को हमारे खाना दो या ना दो, पर मेरी माँ का ऐसा रहता कि जो आज ही आई हैं मतलब काम करने के लिए, उनको पहले कोई चीज़ हो हम दे दें खा लें वो खुश रहें, ये जान लो। मम्मी हमारी उनको मानती बहुत हैं, बहुत मानती हैं। मान लो बहुएँ हैं कभी ज़्यादा कम बोलती रहती, ये चक्कर 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 दिन भर लगाए रहती बहुएँ, जैसे चक्की नहीं आटा पीसती है वैसे बहुएँ भी चक्की जैसे आटा जैसे पीसती रहती बोलती रहती हैं, तो बुरा नहीं मानती हैं बेचारी, बुढ़ी हो गई फिर भी रिस्पेक्ट तो करना चाहिए। और आजकल के टाइम में कौन किसकी रिस्पेक्ट करता है, सही है कि नहीं? हाँ, कुछ बतिया रही कुछ बोल रही, चलिए आपको ढेर सारी बातें बता दिया है। आज हमने मम्मी घी भी बनाई है अपने से दही का, तो वो सब भी आप लोगों से दही ये सब शेयर कर दिया है। और भी घर की रूटीन की वीडियो बनाऊंगी डालूंगी, और आप लोग ये मत सोचिए कि मैं वीडियो नहीं डालूंगी, वीडियो डालूंगी, कंटिन्यू वीडियो जाएगी। हाँ ये है टाइम के कोई पाबंदी नहीं रहे, मतलब कोई नहीं रहे सुबह जाएगी रात, क्योंकि कल रात में करीब मैंने 8:30 बजे 1 मिनट की वीडियो अपलोडिंग लगाया है गाँव में, तो जियो का नेटवर्क यहाँ पर नहीं रहता है। मैंने 450 का जियो का रिचार्ज मारा है, 2.5 GB का नेट मारा है, फिर भी मेरी वीडियो नहीं अपलोड हुई। सुबह उठ के देख रहे हैं यार 7:00 बजे 6:00 बजे फिर भी नहीं है। फिर मैं मोबाइल ले जाके बाहर गेट के खड़ी हुई, तब उसके बाद 1 मिनट की वीडियो पोस्ट करने के लिए मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही कुछ कहने के लिए, फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। अभी मैं देखो आज वीडियो अब भी लगाऊंगी, 1-2 घंटे बाद फिर नई वीडियो आप लोगों के पास पहुँच जाएगी, ठीक है? प्लीज़ आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहे। आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, चाहे यहाँ हो प्रयागराज के मेरे YT से लोग जुड़े हों, चाहे महाराष्ट्र से लोग मेरे YT पर जुड़े हों, सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब अच्छे से रहिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए। जान हाबू कपड़ा वपड़ा बदलबू का बदल रहे, ठीक है? संध्या तक फुर्सा तो चला खा लें जाए और का, अब हमरे लाग में भूख बड़ी देश से भौजाई, अभी नहाई नहीं, अभी कपड़ा बदलेगी, नहाएगी तब तो खनवा देगी, अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना देगी, 3 बज रहे हैं, लैया भाई दे खाना, टाइम हुई हुआ खाना खाइए। मुर्रा बोलो